आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाली खूबसूरत अदाकारा जूही चावला की। जूही ने फिल्मी पर्दे पर अपने अलग अलग किरदार से हमेशा सुर्खियां बटोरी है। वह जितनी अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रही, उतनी वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में छाई रही। अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी जिसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। अपने काम को लेकर जूही चावला काफी जुनूनी थी। इसकी दीवानगी उनके एक स्टेज शो और फिल्म झनकार बीट्स के दौरान देखने को मिली। जून 2003 में आई सुजोय घोष की फिल्म झनकार बीट्स के दौरान उनका काम करने का जुनून देखने लायक था। इस फिल्म में उन्होंने एक प्रेग्नेंट हाउसवाइफ का किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के दौरान जूही चावला खुद गर्भवती थी। फिल्म जून 2003 में रिलीज हुई, वहीं 21 जुलाई 2003 को उन्होंने अपने दूसरे बच्चे अर्जुन मेहता को जन्म दिया। वैसे पहली बार नहीं था जब जूही ने इस स्थिति में भी दिन रात काम किया हो। उन्होंने अपने पहले बच्चे के जन्म के समय भी ऐसा ही काम किया था। जब वह पहली बार मां बनने वाली थी तब उन्होंने अमेरिका में एक स्टेज शो का प्रस्ताव स्वीकार किया। फरवरी 2001 में उन्होंने बेटी जाह्नवी को जन्म दिया। गौरतलब है कि जूही ने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की थी। आपको बता दें कि जूही चावला हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही जिसके बाद उन्होंने कन्नड़ फिल्मों का रुख किया। वहां अपनी किस्मत आजमाने के बाद जूही ने फिर से बॉलीवुड का रुख किया, जहां उन्हें पहला बड़ा ब्रेक फिल्म कयामत से कयामत तक में मिला। ये फिल्म हिट रही और इसमें जूही की परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।